प्रिय स्वर्गीय पिता, मैं आपको यह दिन देने के लिए धन्यवाद देता हूँ। जैसे कि भजनहार कहता है कि यह वह दिन है जिसे प्रभु ने बनाया है और मैं इसमें आनंद मनाऊंगा और खुश रहूंगा। मैं आज का दिन आपके हाथों में सौंपता हूँ पिता। मैं आनंदित होऊंगा और मैं आज खुश होऊंगा क्योंकि आपकी कृपा और आपकी शांति और आपके द्वारा दी जाने वाली सुरक्षा का आशीर्वाद हमेशा मेरे साथ है। पिता, मैं आपके शब्द का दावा करता हूं जो कहता है कि निश्चित रूप से अच्छाई और दया मेरे जीवन के सभी दिनों में मेरा पीछा करेगी। मैं आज अपने जीवन के ऊपर यीशु के खून की याचना करता हूं। अपनी आत्मा के ऊपर मेरी आत्मा और मेरा शरीर, मैं अपने जीवन में हर चीज पर यीशु के खून की याचना करता हूं। मैं वह सब आपके हाथों में सौंपता हूं जो मुझे परेशान कर सकता है। मैं अपने डर, चिंता और चिंताओं को आपके हाथों में सौंपता हूं। यह एक और दिन है हे भगवान, और मुझे नहीं पता कि यह क्या है, मुझे नहीं पता कि आज क्या होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि आप एक वफादार ईश्वर हैं जो मुझे आपके माध्यम से देखेंगे। आज मेरे कदमों को शांति और ताकत की राह पर ले जाएंगे और मेरा दिल आपकी आज्ञाओं का पालन करेगा। मेरी भावनाएं स्थिर रहेंगी। पिता, आज और हमेशा तक मेरे साथ रहो, मेरी निगरानी करो, अपने स्वर्गदूतों को मुझ पर अधिकार रखने के लिए भेजो। यीशु, तुम मेरे मुक्तिदाता हो, तुम अच्छे चरवाहे हो, चरवाहा जो मुझे हरे चरागाहों में ले जाता है, चरवाहा जो मुझे शांत जल के किनारे ले जाता है, मुझे मजबूत बनाता है। आपने विश्वास और आपके साथ इस दिन का सामना करने में मेरी मदद की, मुझे विश्वास में बहादुरी से खड़ा होने में मदद की। पिता, आज मुझे स्पष्ट दिमाग दें, मेरे दिमाग में स्पष्टता दें ताकि मैं आज अच्छे निर्णय ले सकूं। मुझे किसी भी क्षेत्र में भ्रमित न होने में मदद करें। आपका शब्द कहता है कि आप भ्रम के रचयिता नहीं हैं। आज मेरे लिए लड़े हे प्रभु, मुझे किसी भी तूफान से बचाएं जो डर ला सकता है, कोई भी चुनौती जो मेरे निर्णय को धूमिल कर सकती है या भ्रम पैदा करने की कोशिश कर सकती है जो मेरा हिस्सा नहीं है। हे प्रभु, मेरी मदद करो। हे प्रभु, मुझे दिमाग लगाने में मदद करो। मसीह की ओर से आपने मुझे डर या भ्रम की भावना नहीं दी है, बल्कि आपने मुझे शक्ति, प्रेम और स्वस्थ दिमाग की भावना दी है। मैंने अपने मन और हृदय को आपके वचन पर लगाने के लिए इस दिन को चुना है। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मेरी मदद करें। दिन रात आपके वचन पर ध्यान करता हूँ और मैं आपको धन्यवाद देता हूँ कि आप एक भगवान हैं जो अपने वचन के प्रति सच्चे हैं। पिता, मुझे कल को जाने देने में मदद करें, मुझे माफ करने में मदद करें और फिर से शुरू करने में मेरी मदद करें। आज अपनी योजना पर भरोसा करने में मेरी मदद करें। भगवान, मुझे देखने में मदद की नई शुरुआत कर, मुझे कल के दर्द से उबरने में मदद करती है, मुझे दोबारा शुरुआत करने में मदद करती है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि आपके पास मेरे लिए बेहतर योजनाएं हैं। हे प्रभु, मैं आपका नाम ऊंचा करता हूँ। राजा यीशु, आप मेरे जीवन की मुख्य आधारशिला हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे रास्ता दिखाएं जो मुझे आज जाना चाहिए। आपका वचन कहता है कि प्रभु का दृढ़ प्रेम कभी समाप्त नहीं होता, उनकी दया कभी समाप्त नहीं होती, वे हर सुबह नए होते हैं। आपकी वफादारी महान है। मैं पाप और मृत्यु पर विजय के लिए प्रभु को धन्यवाद देता हूँ। आज मेरे सभी कदम पिता के नाम से उठते हैं। यीशु का खून मेरी रक्षा करे। मैं अपने रास्ते में आने वाली किसी भी चीज से नहीं डरूंगा क्योंकि सब कुछ आपके हाथ में है। मैं आपको अपने साथ चलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। भगवान, पवित्र आत्मा मेरा मार्गदर्शन करें और मुझसे बात करें। मैं अपनी आँखें और अपना स्नेह रखता हूँ स्वर्ग में। मैं आपकी ओर देखता हूँ। मेरे विश्वास के लेखक और समापनकर्ता भगवान, आपका वचन कहता है कि आप मुझे पूर्ण शांति में रखेंगे जब मेरा मन आप पर रहेगा, और मैं आज आपके पास आया हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि जब मैं आपके वचन पर ध्यान करूँ तो आप मेरे मन को नवीनीकृत करें। प्रार्थना करें कि आप मेरे दिल और दिमाग में शांति लाए और दुश्मन की हर भ्रमित करने वाली आवाज को शांत कर दें। मेरे पूरे परिवार पर किसी भी चीज का असर न हो क्योंकि यीशु मसीह का खून एक सुरक्षात्मक बाधा बन जाएगा। दुश्मन से कुछ भी नहीं होगा, दुश्मन द्वारा बनाया गया कोई भी हथियार नहीं होगा मेरे खिलाफ। मैं ऐसी किसी भी चीज को छोड़ देता हूँ जो यीशु के खून के नीचे नहीं रह सकती। कोई भी पुरानी आदतें, कोई पापी आदतें, कोई अशुद्ध विचार, कोई भी नकारात्मक लोग, मैं यीशु मसीह के खून से ढके रहना चुनता हूँ और मैं सुरक्षा का दावा करता हूँ। मैं आज आपके सामने आया हूँ यह जानते हुए कि सारी शक्ति आपके हाथों में है। मुझे पता है और मुझे विश्वास है कि आप एक ऐसे भगवान हैं जो अपने लोगों की परवाह करते हैं, और मैं आप पर भरोसा करता हूँ। मैं हर स्थिति का सामना करता हूँ। मेरा जीवन आपके हाथों में है। मैं हर रिश्ते, हर विचार को समर्पित करता हूँ। मैं अपनी हर चिंता और परेशानी को आपको सौंपता हूँ। पिता, हर संदेह, हर डर,
हर निराशाजनक भावना को सब कुछ ले लेता हूँ ईश्वर, और मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप अपनी कृपा और दया जारी करें। मैं विनती करता हूँ कि आप मेरा नेतृत्व करने के लिए स्वर्ग से अपनी शक्ति जारी करें और मेरा मार्गदर्शन करें। मुझे अपनी पवित्र आत्मा से भरें, मुझे प्रभु को देखने के लिए आध्यात्मिक आँखें और सुनने के लिए कान दें, ताकि मैं उस दुश्मन के हमलों में न फंसूं जिसके लिए मैं अपना जीवन देता हूँ आपके चरण, और मैं अपनी सभी इच्छाएं, अपनी महत्वाकांक्षाएं और अपने सभी सपने आपके सामने लाता हूँ। मैं जो कुछ भी चाहता हूँ वह सब कुछ जो मैं प्यार करता हूँ और प्रिय रखता हूँ, मैं इसे आपके सामने रखता हूँ पिता, और मैं समर्पण में झुक जाता हूँ क्योंकि मैं खुद को खाली कर देता हूँ। मैं भगवान से यही मांगता हूँ आपकी पवित्र आत्मा मेरे जीवन में इतनी मजबूत हो। मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे अपनी आत्मा के उपहारों और फलों से भर दें। मैं आपका स्वागत करता हूँ हे पवित्र आत्मा। आप प्रेम, आशा, आनंद, शांति, धैर्य, अच्छाई, आत्मनियंत्रण और भगवान का स्रोत हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये सभी उपहार और फल मेरे जीवन में स्पष्ट हैं। हे ईश्वर, मेरा मानना है कि ऐसी कोई चीज नहीं है जो मुझे आज आपसे अलग कर सके। मुझे सिखाएं कि मैं अपना रास्ता कैसे चुनूं, ताकि मैं जो भी कदम उठाऊं वह मुझे आपके करीब ले जाए। मुझे आपके शब्दों पर चलने में मदद करें, न कि मेरी भावनाओं या संवेदनाओं पर, जैसा कि भजन की किताब अध्याय 86 में कहती है, मेरी बात सुनो भगवान, मेरे लिए मैं असहाय और कमजोर हूँ, मुझे मरने से बचा लो क्योंकि मैं तुम्हारे प्रति वफादार हूँ, मुझे बचा लो क्योंकि मैं तुम्हारा सेवक हूँ और मुझे तुम पर भरोसा है। तुम मेरे भगवान हो इसलिए मुझ पर दया करो, तुम्हारे जैसा कोई भगवान नहीं है। जो तुमने किया है वह किसी ने नहीं किया है। जिन राष्ट्रों को आपने बनाया है वे आएंगे और आपके सामने झुकेंगे, वे आपकी महानता की प्रशंसा करेंगे। आप शक्तिशाली हैं और अद्भुत काम करते हैं। केवल आप ही ईश्वर हैं जो मेरे हृदय को शुद्ध रखने और आप पर एकाग्र ध्यान केंद्रित करने में मेरी मदद करें। पिता, मुझे मेरे लापरवाह विचारों, शब्दों से बचाएं। प्रभु, मुझे शत्रु द्वारा विचलित और हतोत्साहित होने से बचाए रखें। लेकिन मैं पिता से प्रार्थना करता हूँ कि आपकी पवित्र आत्मा मुझे पूरी तरह भरपूर कर दे और आज मेरा मार्गदर्शन करे। मैं मेरी प्रार्थना सुनने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं मेरी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं निर्णय लेता हूँ और घोषणा करता हूँ कि मेरे पास यीशु मसीह के नाम पर आज सब कुछ है और विजय मेरे साथ है। प्रभु यीशु के नाम से आमीन।